हेलो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज के लेक्चर में आप सीखने वाले हैं डेली यूज के बहुत ही अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर, बहुत ही अच्छे अच्छे सेंटेंस। आपको वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है, और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचते रहे। आज आप सीखने वाले हैं वेरी एक्सीलेंट, वेरी अमेजिंग, बहुत ही अच्छे अच्छे सेंटेंस, जिस तरह से हैव यू एवर। जब हम किसी के बारे में पूछते हैं, वो कहीं गया है, उसने कभी खाया है, उसने कभी देखा है, उसमें हैव यू एवर का प्रयोग करते हैं। जिस तरह से देखते हैं, क्या तुम कभी पुणे गए हो? Have you ever been to Pune? ये भी कह सकते हैं। Have you ever gone to Pune? दोनों मतलब एक ही है। Have you ever been to Pune? और Have you ever gone to Pune? दोनों का मतलब है क्या तुम कभी पुणे गए हो? और तुम इसके आंसर में कह सकते हो Yes, I have been to Pune twice। और ये भी कह सकते हो Yes, I have gone to Pune twice। इस तरह का बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर Have you ever been? जब हम किसी से पूछते हैं उसके बारे में कि वह क्या कभी गया है, क्या कभी उसने देखा है, जिस तरह पूछते हैं Have you ever seen the red fort? क्या तुमने कभी लाल किला देखा है? और आप आंसर दे सकते हैं Yes, I have seen the red fort thrice। और I have seen the red fort twice। और यदि आपने नहीं देखा है No, I haven't seen the red fort। तो ये पहला स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर have you ever डेली यूज में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होता है have you ever। अगला स्ट्रक्चर देखते हैं सरल, what about जब हम किसी व्यक्ति से उसका नाम, उसका बिजनेस और उसकी स्टडी, उसके लाइफ के बारे में पूछते हैं तो इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होता है what about। सपोज करो आपने किससे पूछा व्हाट अबाउट यू, यू आर टू आंसर एज इन माई केस, इसने आपसे कहा व्हाट अबाउट यू, एज इन माई केस आई एम आदेश शर्मा, आई एम 45 ईयर ओल्ड, आई एम टीचर। आपको इस तरह से जवाब देना है जिस तरह इसमें पूछा गया है, आपकी नौकरी का क्या हुआ, व्हाट अबाउट योर सर्विस और जॉब, व्हाट अबाउट योर सर्विस और जॉब। इसी तरह से आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, व्हाट अबाउट योर स्टडी, व्हाट अबाउट योर स्टडी। इसी तरह से आपकी शादी में क्या हुआ, व्हाट अबाउट योर मैरिज, व्हाट अबाउट योर मैरिज। बहुत ही अच्छे स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर था हमारा व्हाट अबाउट, पहला था हैव यू एवर। अब तीसरे स्ट्रक्चर पर आते हैं Want to be want to be बनना चाहता हूं या होना चाहता हूं या जाना चाहता हूं, इस तरह की बातों में want to be प्रयोग करते हैं। जिस तरह आई want to be a डॉक्टर, मॉडर्न इंग्लिश में इसे want to be कहते हैं, want to be, आई want to be a डॉक्टर और आई want to be a डॉक्टर, दोनों ही सही है। इस तरह से आई वॉन्ट टू बी ए टीचर, मैं एक टीचर बनना चाहता हूं, अध्यापक बनना चाहता हूं, और आई वॉन्ट टू गो नाउ, अब मैं जाना चाहूंगा, और आई वॉन्ट टू गो टू दिल्ली बाय ट्रेन, मैं ट्रेन से दिल्ली जाना चाहूंगा, और आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल बाई बाइक, मैं बाइक से स्कूल जाना चाहता हूं। मतलब वॉन्ट टू बी और वॉन्ट टू बी दोनों सेम है बिल्कुल, लेकिन वन टू बी का प्रयोग मॉडर्न इंग्लिश में ज्यादा होने लगा है, वन टू बी ज्यादा ही हो रहा है। इस तरह से अगला स्ट्रक्चर डू यू हैव, जब हम किसी से पूछते हैं क्या आपके पास कार है, क्या आपके पास मोबाइल है, क्या आपके पास अपना घर है, क्या आपका अपना व्यवसाय है, इस तरह के वाक्य में पूछते हैं डू यू हैव। जिस तरह डू यू हैव ए कार, डू यू हैव योर ओन बिजनेस, और डू यू हैव ए मोबाइल, और Do you have a bike? Or do you have a ring?
और इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। अगला स्ट्रक्चर है डू यू हैव, आपके पास है, क्या आपके पास है, इसका मतलब होता है डू यू हैव का, क्या आपके पास है। जिस तरह डू यू हैव ए कार, डू यू हैव योर ओन बिजनेस, क्या आपका अपना खुद का बिजनेस है। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। पहला स्ट्रक्चर हैव यू एवर, जब हम किसी से किसी बात के बारे में पूछते हैं कि क्या वह कभी गया है, क्या उसने कभी देखा है, क्या उसने कभी खाया है, तब हैव यू एवर उपयोग करते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर है व्हाट अबाउट, जब हम किसी व्यक्ति से उसके नाम के बारे में, बिजनेस के बारे में, स्टडी के बारे में पूछते हैं तो व्हाट अबाउट का उपयोग करते हैं। इसके बाद वांट टू बी और वांट टू बी, जब हम अपनी चॉइस बताते हैं मैं बनना चाहता हूं, मुझे बनना है, मुझे जाना है, तो हम प्रयोग करते हैं वांट टू बी या वांट टू बी। और लास्ट में डू यू हैव, जब हम किसी से पूछते हैं कि क्या उसके पास है, तब डू यू हैव का प्रयोग करते हैं। तो डियर गाइस, इस तरह की मॉडर्न जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दैट्स ऑल फॉर द डे, हैव अ गुड डे।